नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। और ये खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष आनंद कुमार के नेतृत्व में अतरौलिया विधानसभा के कोयलसा तथा अहिरौला ब्लॉक के अंतर्गत जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान चलाकर गांव-गांव में मान्यवर कांशीराम के विचारों को लोगों तक पहुंचाने तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल यात्रा का मुख्य मकसद बहुजन समाज को जोड़कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना है। यह साइकिल यात्रा 1 जुलाई से पूरे जनपद में 10 विधानसभाओं में गांव-गांव जाकर लोगों को कांशीराम जी के विचारों को बताकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि साइकिल यात्रा 1 जुलाई से लगातार चलाई जा रही है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। जिसके क्रम में सोमवार को साइकिल यात्रा बुढ़नपुर, कोयलसा, भरौली, शाहपुर, चांदनी चौक, अहरौला, गौरी अजगरा, मगियापार, अतरौलिया, नंदना, आतराट होते हुए बुढ़नपुर में जाकर संपन्न हुई। इस साइकिल यात्रा में कुल 120 लोग मौजूद रहे, जो अतरौलिया विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में जाकर लोगों को जागरूक किए। आइए सुनाते हैं कि भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा। निकली है कहाँ से, कहाँ निकली है और क्यों निकाली गई, इसके बारे में बताओ। भैरवपुर से निकली है और पुलिसा से, पुलिसा छपाना और सेनपुर से निकली है। कहाँ से कहाँ होती आ रही, पूरा बताओ इसको। भैरवपुर से शाहपुर, भटौली, गौरी, मजियापार, अतरौलिया, सैनपुर, ये सब होते हुए वो तो कहाँ जानी, कहाँ जाएगी, जाएगी पुलिसा जाएगी। क्या लक्ष्य है, क्यों निकाली गई है? भीम आर्मी। कितने लोग थे लगभग साइकिल में? साइकिल में कम से कम 120 लोग। कोई लक्ष्य है कि क्यों निकाली जा रही विधानसभा चुनाव के लिए? विधानसभा नहीं, भीम आर्मी है। भीम आर्मी किसके नेतृत्व निकाली गई है, कौन मेन आपका मुखिया कौन है यहाँ का? आनंद भाई, आगे चले। आनंद भाई,